दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की जिस तरह की कार्रवाइयाँ टाइम टू टाइम पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, ये उसी नापाक हरकतों का करतूतों का हिस्सा है कि इस तरह की टनल्स बार बार खोदी जाती हैं और ऐसी टनल्स को इस्तेमाल किया जाता है आतंकवादियों को आर पार करवाने के लिए, उधर से इस तरफ भेजने के लिए। ये टनल भी मैंने देखा पहले 2013-14 में चलियारी की टनल देखी थी, वो भी बहुत बड़ी टनल थी, ये भी काफ़ी बड़ी टनल है, अभी इसको खुदाई करके अंदर से देख रहे हैं। इन टनल्स का इस्तेमाल बेसिकली जो है टेरिस को पाकिस्तान से इस तरफ भेजने के लिए किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। क्या इसमें से कोई घुसपैठ हुई है? अभी ये सब चीज़ें तफ्तीश का विषय है क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले आप जानते हैं कि हमारे हाईवे के ऊपर इनकाउंटर हो चुका है, तब से लेकर के हम टनल की तलाश में थे। उस वक्त इनपुट थे कि यहाँ से किसी टनल का इस्तेमाल हुआ आतंकवादियों को इस तरफ भेजने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल ज़रूर किया गया है और जो अभी तक जहाँ के इंडिकेटर्स हैं ग्राउंड के उसको देख करके और उसके भी सपोर्ट की जो पोजीशन है उसको देख करके भी यही अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस टनल का आतंकवादियों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सर, कुलगांव में जो अभी रिसेंटली हथियार पकड़े हैं ट्रक से, क्या सांबा के साथ कोई कड़ी जोड़ी जा रही है? देखिए, हथियार जो वहाँ पर पकड़े हैं उसमें पूछताछ अभी जारी है, उसके कुछ जो संकेत हैं वो इस तरह के हैं कि वो वेपन्स सांबा के सेक्टर से किसी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो हैं वो ड्रोन के जरिए से ड्रॉप किए गए हैं। हम लोग बाकी चीज़ें उसमें अभी तफ्तीश कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जम्मू में बोझी जो है वो एक्टिव हो रहे हैं? देखिए, जम्मू कभी भी पाकिस्तान की रडार से बाहर नहीं जाता है। अगर आज से 2-3 साल पीछे जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर फदाइन हमले हुए, सुंजवा में अटैक हुआ, नगरोटा के आर्मी कैंप में अटैक हुआ, इस तरह की वारदातें पहले अगर देखें तो राजबाग के एरिया में हुई, हीरानगर में हुई, फिर आगे जाके पठानकोट में हुई, दीनानगर में हुई। पाकिस्तान हमेशा इस एरिया को अपने रडार पे अपने निशाने पे रखता है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं। हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से बाकी फोर्सेस की तरफ से एडिक्वेट तादाद में करके रख रहे हैं और हम लोग सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्या और भी इस तरह की टनल हो सकती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर? इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, मुमकिन है कि इस तरह की टनल्स और भी हों और हम लोग बाकी अगर ऐसी टनल्स हैं उसकी तलाश भी अभी बीएसएफ और पुलिस की तरफ से जारी है।